दोस्तों, प्रेम, आकर्षण व संबंध कुछ ऐसे सुख हैं जिन्हें पाने के लिए हम मनुष्य ही नहीं बल्कि देवतागण भी तरसते हैं, लेकिन ये सुख केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। वैसे आज की कथा में हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं, लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेक्ट यूट्यूब चैनल पर। पौराणिक काल की बात है, एक बार स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी धरती लोक की सैर कर रही थी। वो प्रकृति के अलौकिक एवं दिव्य वातावरण में मानो खो सी गई थी। काफी समय धरती पर व्यतीत करने के बाद जब वो पुनः स्वर्ग जाने लगी कि तभी अचानक से एक राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन इन वक्त पर वहाँ से राजा पुरूर्वा गुजर रहे थे। जब उन्होंने उर्वशी को इस हाल में देखा तो वे तुरंत ही उसे बचाने के लिए राक्षस से भिड़ गए। कुछ देर तक दोनों के बीच युद्ध होता रहा, लेकिन अंत में राजा ने उस राक्षस को पराजित कर उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब स्वर्ग की किसी अप्सरा ने मनुष्य को इतने करीब से देखा था। उस समय राजा पुरूर्वा भी जवान और अत्यंत ही बलशाली थे, इसी वजह से अप्सरा उसके पुरुषार्थ पर मोहित हो गई और दोनों के बीच मन ही मन प्रेम हो गया। परंतु उर्वशी एक अप्सरा थी जबकि पुरूर्वा एक राजा, इसीलिए दोनों का मिलन संभव नहीं था। अंततः वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन फिर भी उनके मन एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाए थे। और ऐसे ही एक दिन स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। उसमें उर्वशी को माता लक्ष्मी की भूमिका निभानी थी, परंतु किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम भगवान विष्णु का नाम लेने के बजाय भूलवश राजा पुरूर्वा का नाम ले लिया। यह देखकर वहां पर उपस्थित भरत मुनि अत्यंत ही क्रोधित हुए। उन्होंने उर्वशी को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार से वो एक मनुष्य की तरह आकर्षित हुई है, उसी तरह उसे भी एक मनुष्य की भांति धरती पर समय व्यतीत करना होगा और एक सामान्य स्त्री की तरह बच्चों को भी जन्म देना होगा। परंतु ये श्राप तो मानो उर्वशी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अंततः श्राप के प्रभाव से वो पृथ्वी लोक पर आ गई। फिर वो पुरूर्वा से मिली और उससे अपने प्रेम का इजहार किया। इस पर पुरूर्वा ने भी उसे स्वीकार करते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उसके सामने तीन शर्तें रखी और राजा ने भी उसकी शर्तों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उर्वशी की उन तीन शर्तों में पहली शर्त ये थी कि उसे पुरूर्वा की दो मेष अर्थात भेड़ों की रक्षा करनी होगी, जबकि दूसरी शर्त ये थी कि उसे अपना सारा राजपाट छोड़कर एक सामान्य मनुष्य की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा, और अंतिम शर्त ये थी कि वे दोनों एक दूसरे को सिवाय समागम के कभी भी निर्वस्त्र नहीं देखेंगे, और यदि राजा इन शर्तों का निर्वाह नहीं करेगा तो उसी वक्त उर्वशी उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग चली जाएगी। फिर दोस्तों, दोनों ने खुशी खुशी विवाह किया और वे आनंद पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे। इधर स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र को उर्वशी की कमी लगातार खल रही थी। उन्हें लगने लगा कि उर्वशी के धरती पर आ जाने से वहाँ की रौनक फीकी पड़ गई है। और ऐसे ही एक दिन देवराज ने मन ही मन एक कुटिल योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत एक दिन रात को जब दोनों युगल अपने निजी पल व्यतीत कर रहे थे, तभी अंधेरे का फायदा उठाते हुए देवराज ने गंधर्वों को उर्वशी की भेड़े चुराने के लिए भेजा। क्योंकि शर्त के मुताबिक भेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरूर्वा की थी, अतः भेड़ों की आवाज सुनने पर पुरूर्वा उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। इस दौरान देवराज ने आसमान से बिजली चमका दी, जिससे कि कुछ क्षण के लिए वहां पर उजाला हो गया। अंततः उन दोनों ने एक दूसरे को नग्न अवस्था में देख लिया, लिहाजा शर्त भंग हो गई और उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना पड़ा। और एक बार फिर से दोस्तों, हमेशा की तरह देवराज इंद्र ने छल किया था, और इस प्रकार से दोस्तों मृत्यु लोक में उनकी प्रेम गाथा अजर अमर हुई। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेक्ट यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।